तो हे गाइज, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि अपने मोबाइल फोन से YouTube चैनल, अपने खुद का YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है? अगर जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके पास पहले से भी चैनल है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताया हूँ जो कि चैनल से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल बनाना है तो इस वीडियो में 100% आप सीख जाएंगे कि कैसे अपने मोबाइल से YouTube चैनल बनाया जाता है खुद का, और कैसे पैसा कमाया जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा कि मैं कोई भी अपना वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो गाइज, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको पूरा शुरू से जो कि प्रोसेस बताऊंगा जो कि हर कोई समझ जाए। तो सबसे पहले आपको एक जीमेल आईडी बनाना होगा। सबसे पहले जीमेल आईडी में चल जाइए। अगर पहले से आप जीमेल आईडी आप यूज करते हैं तो उसी से आप चैनल बना सकते हैं आसानी से। तो हम नए आदमी के लिए बता रहे हैं जो कि जीमेल आईडी भी उनको नहीं बनाने आता है। तो सबसे पहले जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। गाइज, ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा है, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। गाइज, 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, मैं बहुत सारा जीमेल आईडी पहले से बनाया हूँ तो इसको मैं ढक देता हूँ। और नीचे ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। गाइज, ऐड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए गूगल का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा देर रिफ्रेश लेगा। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ जो कि मैं अपना पासवर्ड लगा के रखा हूँ जीमेल में। तो यहाँ पर थोड़ा देर रिफ्रेश लेगा, तो रिफ्रेश थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका जन्म तिथि जो है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये पर एकदम जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कीजिएगा जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेल फीमेल। तो यहाँ पर मेल, तो मेल कर लेते हैं। करने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट जीमेल एड्रेस का एक ऑप्शन आएगा। तो इस पर क्रिएट जीमेल, जो जीमेल यूजर नेम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम से ही मैं कुछ भी बना लेता हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर डाल देते हैं जो कि, तो यहाँ पर ये बनाने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। गाइज, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है जो कि अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिए जो कि स्ट्रॉन्ग, जो कि यूट्यूब चैनल आप इस जीमेल से बनाने वाले हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यहाँ पर बनाएं आप। यहाँ पर पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। गाइज, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जीमेल आईडी बन गया है। अब जीमेल यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जीमेल आईडी बनकर तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको सीधे आपको YouTube एप्लीकेशन में जाना है। YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। गाइज, YouTube एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद थोड़ा देर रिफ्रेश ले रहा है, तो सही से खुलने देते हैं। तो रिफ्रेश लेने के बाद तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर देख लीजिए। तो इस पर क्लिक करना है। गाइज, इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए योर चैनल का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए योर चैनल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गाइज, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कॉलम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर देख लीजिए ये कॉलम का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो चैनल का नाम धरना चाहते हैं, जैसे कि मैं भोजपुरी मूवी, मैंने भोजपुरी कुछ, मैंने चैनल का नाम जो आपको धरना है, यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर चैनल का नाम धर लेंगे। तो यहाँ पर भोजपुरी सॉन्ग लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये चैनल का नाम धरने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। गाइज, ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए भोजपुरी सॉन्ग के नाम से मेरा चैनल बन गया है जो कि रेडी हो गया है। आप जो चैनल का नाम धरना चाहेंगे आप धर सकते हो। यहाँ पर दोनों आपको इनेबल कर देना है, बटन जो आपका होगा इस दोनों बटन को इनेबल कर देना है। करने के बाद अब आपका चैनल जैसे कि तैयार हो गया है। अब इस पर फोटो जैसे कि लगाना है, तो फोटो लगाने के लिए सबसे पहले प्रोफाइल का एक ये प्रोफाइल है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मैं पहले से प्रोफाइल लगा चुका हूँ, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो लगाने का भी ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ से आप जैसे कि अब फोटो चैनल आपका क्रिएट हो गया है जो कि मैं भोजपुरी सॉन्ग के नाम से चैनल बना लिया हूँ। अब इस पर वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए होम पेज पर आएंगे यूट्यूब के, और यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि
यहाँ पर एक कैमरा का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गाइस कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो अपलोड करना है। तो जैसे कि मैं एक वीडियो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, जो कि इस वीडियो को मैं अपलोड करना चाहता हूँ वीडियो पर, तो इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। गाइस इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे कि टाइटल दे देना है, कोई भी वीडियो को जो वीडियो जिस टॉपिक पर बनाया है उस टॉपिक पर टाइटल दे देना है। जैसे कि मैं इस हाउ टू, जैसे कि चैनल कैसे बनाए, तो चैनल यहाँ पर लिख देंगे, चैनल कैसे बनाए। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर 1000 वर्ड में भी लिख सकते, 5000 तक वर्ड में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि टाइटल है, यहाँ पर 100 वर्ड से ऊपर नहीं लिख सकते, आप 100 वर्ड के नीचे ही लिखें। और यहाँ पर प्राइवेट रहेगा, तो यहाँ पर पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन है, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो सक्सेसफुली अपलोड होने लगेगा। थोड़ा देर वेट लगता है, जैसा आपका इंटरनेट फास्ट काम करेगा वैसा आप ये वीडियो अपलोड होगा। वीडियो अपलोड होने के बाद अब आपको आता है कि जैसे कि इस पर पोस्टर लगाना, पोस्टर जैसे कि बहुत सारे थंबनेल नहीं लगाने आता है बहुत सारे भाई को, तो होता है कि आप पोस्टर आप लगा सकते हैं। सबसे पहले चैनल वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से कि आप सीख सकते हैं कि कैसे चैनल वेरीफाई करते हैं और पोस्टर कैसे लगाते हैं। एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जो कि आप चैनल वेरीफाई भी कर सकते हैं और पोस्टर भी लगा सकते हैं। तो वहाँ से उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे अपने वीडियो पर थंबनेल लगाते हैं। तो इस तरह चैनल बनाकर आप अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको YouTube पर 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होगा, उसके बाद मोनेटाइजेशन होगा, चैनल का इनेबल होगा, और उसके बाद आपके वीडियो पर ऐड दिखाया जाएगा। जब ऐड आने लगेगा आपके चैनल पर, वीडियो पर ऐड आने लगेगा, तो आपको ऑटोमेटिक आपके YouTube चैनल से इनकम होने लगता है। और बहुत सारे भाई बोलते हैं कि YouTube चैनल से बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पुराना होगा, उसके बाद एडसन अकाउंट बनाया जाता है। एडसन अकाउंट बनाकर वहां से चैनल को मोनेटाइज कराना होता है, और आपको वहां से बैंक अकाउंट लिंक कर एक ऑप्शन देता है, वहां पर लिंक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद पड़ा होगा। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर हर दिन हर रोज लाता रहता हूं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।